हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैन-बनाक थ्योरम, जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस एमएससी थर्ड सेम के सिलेबस में है। ये तीन थ्योरम्स हैं हमारे पास, एक तो रियल वेक्टर स्पेस के लिए, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए और एक नॉर्म्ड स्पेस के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारे पास फर्स्ट थ्योरम होगी रियल वेक्टर स्पेस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे और फिर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम हैन-बनाक थ्योरम एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल, ये हमारे पास किसके लिए है? रियल वेक्टर स्पेस के लिए, रियल वेक्टर स्पेस के लिए, रियल वेक्टर स्पेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे अच्छे से। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, लेट एक्स बी ए वेक्टर स्पेस, एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस गिवन है, एंड पी बी ए सबलीनियर फंक्शनल ऑन एक्स, और पी क्या है हमारे पास, सबलीनियर फंक्शनल है ऑन वेक्टर स्पेस एक्स। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं हम कि हमारे पास सबलीनियर फंक्शनल क्या होता है, पी का सबलीनियर होने का क्या मीनिंग है। पी का सबलीनियर होने का मीनिंग है कि पी सब एडिटिव होगा, मतलब पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, ये कंडीशन होल्ड करेगी अगर हमारे पास पी क्या हो, सबलीनियर फंक्शनल हो। साथ के साथ अगर कोई अल्फा स्केलर है तो पी ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल होगा, अल्फा पी ऑफ एक्स के। तो ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास जब भी पी क्या होता है हमारे पास, सबलीनियर होता है। अगर एफ लीनियर हो, अगर ऐसा बोल लें कि एफ लीनियर फंक्शनल हो, एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, तो उसका मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ एफ ऑफ वाई, ये हमारे पास लीनियर की कंडीशन होती है। लीनियर में इक्वालिटी आ जाती है और सब लीनियर में लेस देन इक्वल टू आता है। ओके, तो ये दो कंडीशंस हमने देख ली सब लीनियर की। फर्दर मोर, लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शनल विच इज़ डिफाइंड ऑन सबस्पेस जेड ऑफ एक्स, एफ हमारे पास क्या गिवन है, एक लीनियर फंक्शनल गिवन है, मतलब इक्वालिटी वाली कंडीशंस होल्ड कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा को और बीटा जो स्केलर्स होते हैं उसको वन ले लें तो ये कंडीशन होगी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये कंडीशन भी होल्ड करती है हमारे पास जब लीनियर फंक्शनल हो। एंड सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और एफ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, इसको हमने वन लेट कर लिया। ये सब हमारे पास गिवन था, हमारे पास क्या क्या गिवन था कि अगर एक्स हमारे पास कोई रियल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि हम रियल के लिए थ्योरम कर रहे हैं, पी सब लीनियर फंक्शनल है ऑन एक्स, और साथ के साथ एफ लीनियर फंक्शनल है जो सब स्पेस जेड के ऊपर डिफाइन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ये सब हमें गिवन था, तो हमें प्रूव क्या करना है कि एफ़ के पास एक एफ हैज़ ए लीनियर एक्सटेंशन एफ टिल्डे, ये एफ टिल्डे है ऐसे, एफ टिल्डे, एफ के पास एक लीनियर एक्सटेंशन होगी एफ टिल्डे फ्रॉम जेड, फ्रॉम सबस्पेस जेड टू एक्स, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ओके, वेयर पी इज सब लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ओके, मेन काम यही है, डैट इज करके लिखा है कि एफ, दोबारा यही लिख दिया कि एफ, दोबारा समझाने के लिए आपको कि एफ टिल्डे इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स एंड सेटिस्फाई टू, कि हमें ये प्रूव करना है कि एक एक्सटेंशन एफ की एफ टिल्डे एग्जिस्ट करेगी जो कि लीनियर फंक्शनल होगा और इस सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और एफ टिल्डे एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए। क्लियर, मेन हमारा फोकस इसके ऊपर रहेगा कि हमें प्रूव क्या करना है, एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ओके, तो स्टेटमेंट क्या थी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ हमारे, तो क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर एक्स हमारे पास कोई रियल वेक्टर स्पेस हो, पी सब लीनियर फंक्शनल हो ऑन एक्स, और साथ के साथ एफ लीनियर फंक्शनल भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ये सब गिवन है, तो हमें इस एफ की एक एक्सटेंशन प्रूव करनी है एफ टिल्डे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन पी ऑफ एक्स, और साथ के साथ ये एफ टिल्डे और एफ दोनों इक्वल हों फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, बस ये प्रूव करना है हमें, मतलब हमें एक लीनियर एक्सटेंशन को एग्जिस्ट कराना है एफ टिल्डे को। ओके, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है,
सो ये प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करानी है एफ टिल्डे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ये प्रूव करना है हमें एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था, हमें क्या क्या गिवन था, एक्स वेक्टर स्पेस गिवन था और पी सब लीनियर फंक्शनल गिवन था, और साथ के साथ ये गिवन था कि एफ लीनियर फंक्शनल है जो जेड सबस्पेस के ऊपर डिफाइन है और एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन पी ऑफ एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैक्टर स्पेस लेते हैं, लेट एक्स बी ए वैक्टर स्पेस एंड जेड बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स। ओके, तो ये हमने जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। नाउ अब एक f लेंगे जो हमारे पास z इज सबसेट ऑफ x टू r, एक लीनियर फंक्शनल है विद f ऑफ x इज लेस देन p ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यहाँ तक हमें गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद हमें क्या करना है, एक हम सेट e कंसीडर करेंगे, एक सेट e लेट किया हमने। वो सेट e किस तरह से लेट किया कि उसके अंदर वो सभी g हैं जो f की एक्सटेंशन है, मतलब E के अंदर G है जो G क्या है, लीनियर एक्सटेंशन ऑफ F, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि G ऑफ X इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, एक सेट E हमने लेट किया जिसके अंदर F की लीनियर एक्सटेंशन है और G ऑफ X, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, वो सभी एक्सटेंशन, वो सभी लीनियर मतलब वो सभी लीनियर फंक्शनल इस ई के अंदर जाएंगे जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी के लिए। यहाँ से ई नॉन एम्प्टी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जैसे हम सेट के केस में देखते हैं कि हर एक सेट खुद में कंटेन होता है, वैसे ही हर एक एक्सटेंशन भी क्या होती है, हमारे पास खुद की एक्सटेंशन होती है, हर एक लीनियर फंक्शनल भी खुद की एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ से हमने लिखा f इज एक्सटेंशन ऑफ f एंड एफ एक्स इज लेस देन पी ऑफ एक्स, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी, नंबर वन जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये गिवन थी। तो ये दोनों कंडीशन हो रही हैं कि f खुद की भी एक्सटेंशन है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि एफ एक्स इज लेस देन पी ऑफ एक्स। तो ये f किससे बिलोंग कर जाएगा, इस सेट e से। अगर f इस सेट e से बिलोंग कर जाता है तो मतलब इसके अंदर एक लीनियर हमारे पास फंक्शनल तो है e के अंदर। ओके, सो जो मतलब f है वो f की एक्सटेंशन है जो e से बिलोंग करेगी, क्योंकि ये e में जाने के लिए जो जो कंडीशन है वो f सेटिस्फाई कर रहा है। तो e यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे हम, हमें ये याद रखना, बस हमें प्रूव ये करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, जो जो डेफिनेशन इसमें यूज़ होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता भी रहूँगा। Now on set E we define a partial ordering G is less than equal to H. Now अब हमने एक partial ordering define की, partial ordering हम इस sign से लिखते हैं कि G is related, वैसे तो इस sign को हम related पढ़ते हैं कि G is related to H. Okay, partial order set क्या होता है हमारे पास, जो तीन conditions को satisfy करता है, first is symmetry, second is anti-symmetry and third is transitivity. ओके, जो ये तीन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है हमारे पास, तो अब हम कोई सेट तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं। ओके, तो हमने एक ये रिलेशन डिफाइन किया जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच। इस थ्योरम में हम तीन चार चीज़ें डिफाइन करेंगे, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर इस तरह हो हमारे पास जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच, तो हम जो ये वाला h होता है ना, ये इस g की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब है कि उससे बड़ा सेट, इस अगर सेट के केस में समझें तो एक्सटेंशन का मतलब है उससे बड़ा मतलब बड़े सेट की बात करते हैं हम। ओके, जैसे रियल की बात करते हैं हम, ठीक है, और z की बात करते हैं, तो z की एक्सटेंशन क्या है, r है, इस तरह से समझ सकते हैं हम। ओके, या फिर ऐसे समझ सकते हैं n की एक्सटेंशन r है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो h होगा वो g की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। जो एक्सटेंशन है उसकी डोमेन बड़ी होगी, तो h एक्सटेंशन है तो डोमेन ऑफ h क्या होगी, डोमेन ऑफ g से क्या होगी, बड़ी होगी। तो मतलब डोमेन ऑफ g इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ h, और साथ ही साथ जो ये h होगा एट x पर और ये g होगा एट x पर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g के लिए।
क्लियर। सो नाउ यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोल देंगे कि ई पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। ई मतलब जो सेट ई है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी, सिमिट्री, एंटी सिमिट्री और मतलब रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमिट्री और मैंने पहले वो बोल दिया था सिमिट्री, वहाँ पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड एंटी सिमिट्री और फिर ट्रांजिटिविटी। तो ये ई तीनों को मतलब क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये थ्योरम लेंथी है इसलिए हम प्रूव नहीं कर रहे, इसलिए हमने ये डायरेक्ट ही लिख दिया कि ई क्या है हमारे पास, पार्शियल ऑर्डर सेट है। ओके तो अगर हम प्रूव करना चाहें, देखो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिविटी होती है, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। रिफ्लेक्सिविटी में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर ए कोई रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है जैसे हमारे पास, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, हम अगर हमें प्रूव करना है किसी सेट एम को अगर हमें पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे हमने जैसे ए बी सी कोई एलिमेंट लिए, तो हम क्या प्रूव करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। एंटी सिमिट्री के लिए क्या प्रूव करते हैं, अगर इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए हो, तो हमारे पास ए बी के इक्वल होता है, क्लियर। और अगर हमें ट्रांजिटिविटी प्रूव करना हो, तो अगर ए बी से लेस देन इक्वल टू हो, बी सी से लेस देन इक्वल टू हो, तो हमारे पास क्या होता है, जो ए होता है वो सी से भी लेस देन इक्वल टू आएगा। ये तीन हमारे पास होती हैं पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूव करने के लिए। ओके तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो वो ई क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, अगर हम वहाँ से कोई एक्सटेंशंस लें, तो इसलिए हमने यहाँ से लिख दिया कि ई क्या है हमारे पास, पार्शियल ऑर्डर सेट है। नाउ अब हम एक चेन कंसीडर करेंगे, सी चेन कंसीडर करेंगे। चेन क्या होती है, चेन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब या तो जैसे ए और बी अगर एलिमेंट हैं, तो ए इज़ लेस देन बी हो, बी इज़ लेस देन ए हो, तब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। उस तरह से हमने क्या ली, ई से एक चेन कंसीडर की। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे जी कैप को हमने किस तरह डिफाइन किया कि जी कैप एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा जब हमारे पास एक्स डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करेगा, क्लियर। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, हमने सबसे पहले जो गिवन था वो लिख दिया, फिर एक ये थोड़ी लेंथी थ्योरम है, इसको आप ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले जो हमें गिवन था वो लिख लिया, फिर एक ई सेट कंसीडर किया जिसके अंदर एक्सटेंशंस ली हमने, और साथ ही साथ जी अगर एफ की एक्सटेंशन हो और इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो ई में जाएगा, एफ खुद की एक्सटेंशन होती है तो एफ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और साथ ही साथ एफ लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स भी होता है, तो एफ अगर ई में चला गया तो ई नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद हमने एक पार्शियल ऑर्डरिंग जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच डिफाइन किया, वहाँ से एच जी की एक्सटेंशन होगी, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक चेन डिफाइन की ई से, और जी कैप को हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, उसके बाद जो जी कैप होगा वो लीनियर फंक्शनल होगा। लीनियर फंक्शनल के लिए मैंने आपको बताया कि आप प्रूव करना होता है, अगर जी कैप को लीनियर फंक्शनल प्रूव करना है, तो मतलब जी कैप अल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फ़ा ऑफ जी कैप एक्स प्लस बीटा ऑफ जी कैप वाई, क्लियर। तो यहाँ से ये क्या इक्वल आएगा, यहाँ इसको कंसीडर करो, किसको कंसीडर करोगे, जी कैप अल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई। जब इसको कंसीडर करोगे तो कैसे डिफाइन था ये, जी कैप एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल था, जी कैप एक्स किसके इक्वल था, जी ऑफ एक्स के, तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, जी कैप अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, जी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। जी क्या है हमारे पास, लीनियर फंक्शनल है, क्योंकि सेट ई के अंदर जी जाते हैं और वो लीनियर एक्सटेंशन है, मतलब लीनियर फंक्शनल तो है, तो इसके लिए लीनियर फंक्शनल जी है, तो जी इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा कि अल्फ़ा को हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ओके ये किसके इक्वल है, जी कैप के, तो अल्फ़ा जी कैप एक्स प्लस बीटा जी कैप वाई, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से जी कैप क्या हो गया हमारे पास, लीनियर फंक्शनल हो गया। ओके सो नाउ अब डोमेन ऑफ जी कैप क्या होगी, डोमेन ऑफ जी कैप होगी जितने भी डोमेन होंगी जी की, उनका यूनियन करेंगे वेयर जी बिलोंग्स टू चेन। ओके और ये वेक्टर स्पेस भी होगा, वेक्टर स्पेस क्यों होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ जी क्या होता है हमारे पास, वेक्टर स्पेस होता है।
सो नाओ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जी लिया सी से, चेन से, तो डोमेन ऑफ जी की यूनियन से तो बिलोंग करेगा, वेयर जी बिलोंग्स टू चेन लिया है हमने, ठीक है। एक डोमेन ऑफ जी इन सभी डोमेन ऑफ जी की यूनियन से बिलोंग करेगा, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से डोमेन ऑफ जी कैप के, तो यहाँ से हमने लिख लिया है डोमेन ऑफ जी कैप के इक्वल है। तो डोमेन ऑफ जी किस में कंटेन हो गया, डोमेन ऑफ जी कैप में, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू सी के लिए, क्लियर। एंड और हमें क्या गिवन था बाय डेफिनेशन ऑफ जी कैप से, जो हमने अभी अभी देखा था कि जी कैप एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। यहाँ से देखो जी कैप एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के, तो ये हमने लिख लिया बाय डेफिनेशन ऑफ जी कैप, जैसे हमने डिफाइन किया था, ये इसमें कंटेन है और ये इसके इक्वल है। तो जैसे हमने पार्शियल ऑर्डरिंग एक डिफाइन की थी ये वाली, तो यहाँ से क्या था हमारे पास, जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच, इसका मतलब क्या था कि डोमेन ऑफ जी इज कंटेंड इन डोमेन ऑफ एच, और एच ऑफ एक्स जी एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक इस तरह का रिलेशन बनेगा, यहाँ से देखो इन इसको, तो किस तरह का रिलेशन बनेगा, डोमेन ऑफ जी कैप में कंटेन है और जी कैप एक्स जी एक्स के इक्वल है। तो जैसे वहाँ जी इज लेस देन इक्वल टू एच का रिलेशन बन रहा था, कब बन रहा था, जब डोमेन ऑफ जी डोमेन ऑफ एच में कंटेन था और एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल था। तो यहाँ पे भी तो डोमेन ऑफ जी कैप में कंटेन है और जी कैप एक्स जी एक्स के इक्वल है। तो जैसे वहाँ पर ये रिलेशन बन रहा था, तो यहाँ पर ये बनेगा जी इज लेस देन इक्वल टू जी कैप, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जी इज लेस देन इक्वल टू जी कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये जी कैप होगा ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा चेन सी का, ओके। और हमने ये चेन क्या ली थी, कोई भी आर्बिट्रेरी चेन ली थी ई से, तो उस आर्बिट्रेरी चेन का क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया। अगर किसी आर्बिट्रेरी चेन का अपर बाउंड आ जाता है, तो जोन्स लेमा से क्या होता है हमारे पास, उसके पास कम से कम एक एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट होता है। ये जोन्स लेमा की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी चेन के पास हमारे क्या होता है, अपर बाउंड होता है, तो उसके पास सेट ई के पास, जो चेन हमने सेट ई से ली थी, उसके पास क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो वो मैक्सिमल एलिमेंट हमने एफ टिल्डे लेट कर लिया कि वो मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, एफ टिल्डे है। तो ई हमारे पास सेट है, उसके अंदर एक मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ गया, एफ टिल्डे आ गया। मतलब एफ टिल्डे किससे बिलोंग कर गया, एफ टिल्डे बिलोंग कर गया ई से। एफ टिल्डे किसका एलिमेंट है, किससे है हमारे पास, ई से है। और ई में जाने के लिए तो कौन कौन सी दो कंडीशंस थी, कि वो एक तो एक्सटेंशन हो एफ की, और साथ ही साथ ये कंडीशन। तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, कि एफ टिल्डे एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स होगा, क्लियर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्ड, क्योंकि यहाँ पर डोमेन ऑफ जी था, तो यहाँ पर एफ टिल्ड है, तो ये किसके लिए बाटरी होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्ड के लिए, क्लियर। तो यही हमने लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ ई एफ टिल्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, और विच सेटिस्फाई एफ टिल्ड एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्ड, ये डोमेन ऑफ एफ टिल्ड है, ठीक है, क्या है, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे। तो ई की डेफिनेशन, ई के अंदर वही जाते थे ना, जो एफ की एक्सटेंशन हो, साथ के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो क्योंकि एफ टिल्डे ई से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो प्रूव करना था, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमें प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी एक्स हो, पर किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, मतलब अब हमें क्या प्रूव करना होगा, एक्स किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे के इक्वल है। मतलब हमें पूरे स्पेस की बात करनी है अब, एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डे प्रूव करने के लिए। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि एक्स किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ टिल्ड के, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए बात करनी है। तो हमने ये तो एग्जिस्ट करा दी एक्सटेंशन एफ टिल्डे, अब सिर्फ ये प्रूव करेंगे कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे किसके इक्वल है, वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस एक्स के इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, सो नाओ अब हम प्रूव कर देते हैं डोमेन ऑफ एफ टिल्डे को एक्स के इक्वल। सो हम क्या गिवन लेके चल रहे हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये डोमेन ऑफ एफ टिल्डे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एक्स के इक्वल
नहीं है। अगर डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एक्स के इक्वल नहीं है तो मतलब या तो डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एक्स में कंटेन नहीं होगा या एक्स कंटेन नहीं होगा डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में। क्लियर? तो ये हमने ये लिख लिया कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एक्स में कंटेन नहीं होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट यहाँ से एग्जिस्ट करेगा कि जो यहाँ पर तो होगा एक्स में तो होगा लेकिन डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में नहीं होगा। तो यही लिखा है हमने कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई वन बिलोंग्स टू एक्स सच डैट वाई वन नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डे। तो मतलब अगर y1 x से बिलोंग कर रहा है और y1 डोमेन ऑफ f tilde से बिलोंग नहीं कर रहा तो मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि y1 किससे बिलोंग कर रहा है, x माइनस डोमेन ऑफ f tilde। इसका मीनिंग यही तो होता है कि ये y1 इस x से तो बिलोंग कर रहा है और इस मतलब माइनस डोमेन ऑफ एफ टिल्डे मतलब वाई वन डोमेन ऑफ एफ टिल्डे से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब वाई वन इस पूरे वाई वन एक्स माइनस डोमेन ऑफ एफ टिल्डे से बिलोंग करने का मीनिंग क्या होता है कि वाई वन उन सभी से बिलोंग कर रहा है इनको छोड़कर, एक्स से डोमेन ऑफ एफ टिल्डे को छोड़कर बाकी सभी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यही है हमारा लिखने का। ओके, तो नाउ अब देखो, तो मतलब यहाँ से एक और बात समझते हैं, अगर जीरो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ टिल्डे से बिलोंग कर रही है, क्लियर, तो क्या हमारे पास वाई वन जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वाई ये डोमेन ऑफ एफ टिल्डे वेक्टर स्पेस होता है जो डोमेन ऑफ एफ टिल्डे के अंदर हमारे पास जीरो एलिमेंट होता है। क्लियर? अगर वाई वन इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो वाई वन जीरो से भी तो जीरो के इक्वल भी तो नहीं होगा, क्योंकि वाई वन तो उससे बिलोंग कर रहा है जिसमें जीरो नहीं है, तो इसलिए वाई वन क्या होगा, जीरो के इक्वल भी नहीं होगा। ये बाद में देखेंगे, चलो पहले यहाँ से समझेंगे। नाउ वी डिफाइन ए सबस्पेस वाई वन। अब एक सबस्पेस डिफाइन करते हैं वाई वन, वो किस तरह का है, स्पैन ऑफ डोमेन ऑफ एफ टिल्डे यूनियन एक एलिमेंट और ले लिया यूनियन एक्स वन। क्लियर? तो y1 अगर सबस्पेस है हमारे पास x का, वी डिफाइन ए सबस्पेस y1, ठीक है, ये लाइन ना ही लिखो। तो हमने एक सबस्पेस डिफाइन किया y1, इस तरह डिफाइन है वो, स्पैन ऑफ डोमेन ऑफ f tilde यूनियन x1। तो अगर मैं इससे कोई एलिमेंट लूँ जिस टाइप का सेट उसी टाइप के उसके एलिमेंट्स, तो अगर मैं इससे कोई एलिमेंट लिया मैंने स्मॉल एक्स वाई वन से, तो वो किस तरह का होगा, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा और ये जो सिंगल एलिमेंट है इसके साथ कोई स्केलर आएगा, ठीक है, तो एक वाई प्लस अल्फ़ा ऑफ वाई वन। क्लियर? अल्फ़ा ऑफ वाई वन, यहाँ पर वाई लेंगे हम, अल्फ़ा ऑफ वाई वन। क्लियर? ये सेट मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जो वाई वन है मेरे पास वो किस तरह से है, वाई वन है स्पैन डोमेन ऑफ एफ टिल्डे यूनियन सिंगल एलिमेंट वाई वन। क्लियर? तो एक एलिमेंट यहाँ से आ गया वाई और ये इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वाई किससे बिलोंग करता है, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे से, और ये हमारे पास जो वाई वन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इस तरह होगा, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि y1 किससे बिलोंग नहीं करता, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे से, और डोमेन ऑफ एफ टिल्डे में क्या बिलोंग करता है, जीरो। सो नाउ अब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब हमें क्या प्रूव करना है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम प्रूव करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो हम ये इसको भी, इस पार्ट को भी, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर एक पार्ट बना उसको भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, तो मतलब ऐसी ऐसी दो रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती हैं, वो हमने दो रिप्रेजेंटेशन ये लेट कर ली, एक्स वाई प्लस अल्फा वाई वन और एक्स इजल टू वाई टिल्ड प्लस बीटा वाई वन, वेयर वाई टिल्ड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्ड एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम रियल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का हमने इक्वल रख लिया और हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक है। तो यूनिक के लिए मतलब वाई किसके इक्वल आना चाहिए, वाई टिल्ड के, और अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए, बीटा के। तो यहाँ से वाई माइनस वाई टिल्ड किसके इक्वल आ गया, बीटा माइनस अल्फा वाई वन के। ओके, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें ये पता है y और y tilde डोमेन ऑफ f tilde से बिलोंग करते हैं, अगर ये डोमेन ऑफ f tilde से बिलोंग करते हैं तो डोमेन ऑफ f tilde वेक्टर स्पेस है, तो इन एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब y tilde का इन्वर्स क्या एग्जिस्ट करेगा एडिशन के केस में, माइनस y, क्योंकि वो अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करता है ना वेक्टर स्पेस, तो उनका और स्केल उनको जब ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट भी डोमेन ऑफ f tilde से बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप।
ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस सबसे पहले तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है ना, तो इसलिए y माइनस y टिल्ड भी डोमेन ऑफ f टिल्ड से बिलोंग कर जाएगा, बट y1 डोमेन ऑफ f टिल्ड से बिलोंग नहीं करता, ये हमने अभी अभी देखा था यहाँ से। ओके, तो सिर्फ सोल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, ओनली सोल्यूशन है हमारे पास कि ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इन दोनों के इक्वल होने के लिए ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, तो यहाँ से वाई वाई टिल्ड के इक्वल आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिक आ जाएगी। क्लियर? सो नाउ अब हमने रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक दिखा दी, वो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और जो हमें प्रूव करना है कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज इक्वल टू एक्स, उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, वो फिर हम प्रूव कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल जी वन डिफाइन करेंगे ऑन सबस्पेस वाई वन, किस तरह से डिफाइन है कि जी वन एक्स किसके इक्वल होगा, जी वन वाई प्लस अल्फा वाई वन इज इक्वल टू एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फा सी, वेयर सी इज ए रियल नंबर। सो ओके, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया जी वन को ऑन सबस्पेस वाई वन, कि जी वन ये हमने एलिमेंट लिया वाई प्लस अल्फा वाई वन, वो किसके इक्वल होगा, एफ टिल्ड वाई प्लस अल्फा सी। ओके, क्योंकि एक्स तो हमने इसके इक्वल माना था ना, ये तो भूल जाओ, इस तरह डिफाइन है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि ये एलिमेंट एक्स था, हमने अभी अभी लिखा था एक्स वाई वन सबस्पेस का एलिमेंट था, तो इसलिए इसको जी वन और ये एक्स ले लिया, तो एक्स क्या था हमारे पास, ये तो था वाई प्लस अल्फा वाई वन, यहाँ से देखो वाई प्लस अल्फा वाई वन। ओके, तो इस सबस्पेस की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये हमने जीवन को डिफाइन कर दिया, तो जीवन हमने डिफाइन किया, तो ये जीवन लीनियर होगा क्योंकि एफ टिल्डे हमारे पास लीनियर एक्सटेंशन है। क्लियर? तो अगर हम अल्फा को ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवन एक्स इज इक्वल टू जीवन वाई प्लस ज़ीरो वाई वन इज इक्वल टू एफ टिल्डे वाई प्लस ज़ीरो सी, मतलब एफ टिल्डे वाई के ही इक्वल आ जाएगा जीवन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो जीवन होगी वो क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर एक्सटेंशन होगा एफ टिल्डे का, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे हम लेकर चल रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ टिल्डे एक्स में कंटेन नहीं है, तो वाई 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 वन हमारे पास क्या है, सबस्पेस है एक्स का, तो वो एक्स वाई वन के भी इक्वल नहीं होगा। ओके, और वाई वन किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ जीवन के। क्लियर? डोमेन ऑफ जीवन के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से देखो जीवन ये है हमारे पास जीवन एक्स एफ टिल्डे एक्स के इक्वल है, और वाई वन भी हमारे पास इसी तरह का डिफाइन था वाई प्लस अल्फा वाई वन, तो इसलिए यहाँ से जो वाई वन होगा वो डोमेन ऑफ जीवन के ही इक्वल आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, ये हमारा सिर्फ ना लिखने का मीनिंग, आपको सिर्फ यहाँ ये डिफाइन पर ध्यान देना है कि हमने इसको किस तरह डिफाइन किया। ठीक है, यहीं से चाहे आप डायरेक्ट आगे लिख सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इस जीवन को ई से बिलोंग कराएंगे, और जीवन को ई से बिलोंग कराने के बाद जीवन को उस ई का मैक्सिमल एलिमेंट अगर हम प्रूव कर देते हैं, लेकिन ई का मैक्सिमल एलिमेंट क्या था, एफ टिल्डे था। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जीवन है ई का मैक्सिमल एलिमेंट, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसका मैक्सिमल एलिमेंट तो एफ टिल्डे था। तो यही हम प्रूव करेंगे कि हम इस जीवन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसको ई का मैक्सिमल एलिमेंट प्रूव करेंगे। क्लियर? और साथ के साथ ही ये कंडीशन भी दिखाएंगे कि जीवन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ओके, तो देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। सो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, वी कैन प्रूव डैट जीवन बिलोंग्स टू ई बाई शोविंग डैट दिस कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जीवन, तो दिस विल कॉन्ट्राडिक्शन द मैक्सिमलिटी ऑफ एफ टिल्डे। सो ये जो हमने लेट किया था ये हमारी बात फॉल्स हो जाएगी, और डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, जो हमने जीवन को डिफाइन किया ऑन वाई वन, उसको क्या दिखाना है, ई से बिलोंग, मतलब वो ई का क्या है, उसको मैक्सिमल एलिमेंट दिखाना है कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे, क्योंकि ई में जाने के लिए यही कंडीशन तो होनी चाहिए हमारे पास, तो यही हम दिखाएंगे। तो जिसके अगर हमने ये दिखा दिया तो, लेकिन एफ टिल्डे था ई का मैक्सिमल एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ टिल्डे है वो एक्स के इक्वल प्रूव हो जाएगा। इसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं प्रूव करने के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंगली वी मस्ट फाइनली शो डैट जीवन विद सुटेबल सी इन फोर सेटिस्फाई फाइव। तो वो हमारे पास क्या थी, दैट इज इन फोर सेटिस्फाइज फाइव।
मतलब ये इसको इसको सेटिस्फाई करे। क्लियर। तो y और z अगर हम डोमेन ऑफ f tilde से ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, तो हम कंसीडर करेंगे f tilde y माइनस f tilde z। क्लियर। तो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, f tilde क्या है, लीनियर एक्सटेंशन है, क्योंकि f tilde क्या है, लीनियर है, f tilde इज लीनियर, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, f tilde x माइनस y को f tilde x माइनस एफ टिल्डे वाई, क्योंकि अगर मैं बीटा को, हम यहाँ पर हमारे पास सामने अल्फा होता है ना, अल्फा x प्लस बीटा वाई, मैं अल्फा को वन ले रहा हूँ, बीटा को माइनस वन ले रहा हूँ, तो उसके लिए ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एफ टिल्डे अल्फा x प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा एफ टिल्डे x प्लस बीटा एफ टिल्डे वाई होता है। अगर अल्फा को वन बीटा को माइनस वन लेता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर। बाय कंडीशन से ये इस कंडीशन को, एफ टिल्डे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जब हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था इस थ्योरम का, कि एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ से एफ टिल्डे वाई माइनस जेड किसके, किससे लेस होगा, पी ऑफ वाई माइनस जेड से। इसमें मैं वाई वन को ऐड कर रहा हूँ, वाई वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पी क्या है, सब लीनियर है। ठीक है, मतलब पी ऑफ एक्स प्लस वाई को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, तो मैंने इसको इसी तरह लिख लिया, पी ऑफ इसको एक टर्म मान ली, इसको अनदर, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, इसको उठा के इस साइड ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड वन माइनस एफ टिल्डे जेड, और ये एफ टिल्डे वाई को इस साइड, तो ये हमारे पास सिक्स इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इससे लेस है, इसका मैं सुप्रीमम भी लूँ, जेड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डे के लिए, फिर भी ये इससे क्या रहेगा, लेस ही रहेगा। क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमने यहाँ पर सुप्रीमम लिया, अगर यहाँ पर इन्फीमम लूम है तो वो वाला भी ग्रेटर रहेगा इससे। ठीक है, जैसे सुप्रीमम लेस रहा था, तो यहाँ से इसको जो मेरे पास सुप्रीमम वाली टर्म थी, जो मेरे पास सुप्रीमम वाली टर्म थी, मैंने उसको एम नोट लेट कर लिया। क्लियर, क्या लेट कर लिया उसको, एम नोट लेट कर लिया, और ये वाली इससे, एम नोट किससे लेस आ गया, पी ओ वाई प्लस वाई वन माइनस एफ टिल्डे वाई, पी ऑफ वाई प्लस वाई वन माइनस एफ टिल्डे वाई, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, एम नोट। एम नोट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म। तो एम नोट किससे लेस देन इक्वल आ गया, इसके। यहाँ पर इन्फीमम, अगर ये एम नोट इससे लेस है, तो इसका इन्फीमम लेंगे तब भी इससे क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, मतलब एम नोट लेस ही होगा। इसको एम वन लेट कर लेते हैं, इन्फीमम वाली टर्म को, तो क्या आ गया, एम नोट इज लेस देन इक्वल टू एम वन। एम नोट तो सुप्रीमम वाली टर्म है, एम वन इन्फीमम वाली टर्म है। अगर इसके बीच में हम कोई एक नंबर सी लें, तो एम नोट इज लेस देन सी इज लेस देन एम वन, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम सिक्स से, जिसको हमने सिक्स लेट किया था, ये वाली टर्म लेस देन सी, जो एम नोट था, वहाँ से हमने सुप्रीमम को हटा दें और एम नोट वाली टर्म लिखें, तो ये वाली टर्म किससे लेस होगी, सी से। ये वाली टर्म किससे लेस होगी, सी से। और एम वन, एम वन वाली टर्म ये है, एम वन वाली टर्म किससे होगी हमारे पास, सी इज ग्रेटर देन, लेस देन किससे होगा, इस इन्फीमम वाली टर्म से, पी ऑफ वाई प्लस वाई वन माइनस एफ टिल्डे वाई। ठीक है, ये दो ए और बी हम इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए हमने एक सी बीच में नंबर लिया, एम नोट और एम वन के बीच में, पहले इस दो के लिए बात कर ली और फिर सी और एम वन के लिए बात कर ली, इस तरह हमने ये दो इक्वेशंस बना ली यहाँ पर। क्लियर। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले वी प्रूव फाइव फॉर नेगेटिव अल्फा इन फोर देन फॉर पॉजिटिव अल्फा। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बात करेंगे, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लेस देन ज़ीरो होगी, अल्फा ज़ीरो होगा, अल्फा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये तीन पॉइंट्स के लिए हम बात करेंगे। और ये अल्फ़ा कहाँ से आएंगे, हम जेड को पुट करेंगे वाई बाय अल्फ़ा, इनके अंदर हम जेड को पुट करेंगे वाई बाय अल्फ़ा। तो सबसे पहले ए के लिए, ए के अंदर जेड को वाई बाय अल्फ़ा पुट करेंगे, फिर बी के अंदर, ए के अंदर जब पुट करेंगे वाई बाय अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा, माइनस पी ऑफ माइनस वाई वन माइनस वाई बाय अल्फ़ा माइनस एफ टिल्डे वाई बाय अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू सी। क्लियर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास। सो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस अल्फ़ा से, जब हम माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा ये टर्म, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ टिल्डे वाई वाई वाई, देखो
एफ टिल्डे क्या है, लीनियर फंक्शनल है, तो एफ टिल्डे वाई बाई अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई अल्फ़ा एफ टिल्डे वाई, मतलब अल्फ़ा को बाहर लिख सकता हूँ उसके अंदर को। तो जब अल्फ़ा को बाहर लिखा तो यहाँ पर वन बाई अल्फ़ा आया था, ठीक है, और यहाँ पर साथ में अल्फा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ टिल्डे वाई ही रह जाएगा यहाँ पर इस तरह, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फ़ा से, ठीक है, अल्फ़ा से, क्योंकि माइनस अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई किया। नाउ सो लिख लो, इन्होंने क्या किया, जो जीवन एक्स हमने फोर्थ इक्वेशन लिखी थी, ये थी हमारे पास फोर, इसके अंदर एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फ़ा सी की वैल्यू पुट कर दी, एफ टिल्डे वाई और इस साइड अल्फ़ा सी आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा सी हो जाएगा, और ये अल्फ़ा वाई टर्म उठकर लेस देन साइन के साथ इस साइड आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे एफ टिल्डे वाई की, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगी एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फ़ा सी की, क्योंकि जीवन इसके इक्वल था एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फ़ा सी के, तो इस इक्वेशन का इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर ये इक्वालिटी इसके और ये लेस देन साइन के साथ, ये इस अल्फ़ा पी माइनस वाई वन माइनस वाई अल्फ़ा इसके इक्वल आ जाएगा, क्लियर। तो ये अंदर मल्टीप्लाई की तो ये एक्स बन जाएगा यहाँ से, पी ऑफ एक्स, मतलब हमने ये प्रूव कर दी, जब ये जी वन एक्स माइनस लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ अल्फ़ा वन, क्लियर। जब हमने क्या लिया था, नेगेटिव के लिए बात की थी, क्लियर, जब माइनस अल्फ़ा इज ग्रेटर देन ज़ीरो से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उस केस में क्या था। अब हम करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, और फिर करेंगे अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, नेगेटिव के लिए तो हमने बात कर ली। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो में हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस केस में तो ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ट्रेवली ट्री होगा रिजल्ट। तो जब, लेकिन जब अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ए के अंदर जेड को वाई बाय अल्फ़ा से रिप्लेस किया था, उसी तरह अब बी इक्वेशन के अंदर जेड को वाई बाय अल्फ़ा से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो बी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, बी हमारे पास थी, ये थी बी, इसके अंदर वाई को, डेट इज़ किसको, वाई को वाई बाई अल्फ़ा रिप्लेस होगा इसके अंदर, ठीक है, वाई को क्या रिप्लेस होगा, वाई बाई अल्फ़ा इसके अंदर, क्योंकि जेड था इसके अंदर वाई है, इसलिए वाई को वाई बाई अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे हम, वाई को, वाई इज़ रिप्लेस बाय वाई बाई अल्फ़ा। तो जब रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, सी इज लेस देन इक्वल टू पी वाई बाई अल्फ़ा प्लस वाई वन माइनस एफ टिल्डे वाई बाई अल्फ़ा, ये लिखा है यहाँ पर, क्लियर। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे नेगेटिव ये लिए किया था हमने यहाँ पर, वहाँ पर माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, इसको जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ अल्फ़ा ऑफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा पी ऑफ वाई बाई अल्फ़ा प्लस वाई वन माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा जिस तरह मैंने, क्योंकि एफ टिल्डे लीनियर है तो ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एफ टिल्डे वाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फ़ा सी इज़ लेस देन इक्वल टू ईस्टर्न, ये जो अल्फ़ा वाली है, तो ये ही हमने लिखा, अल्फ़ा ऑफ सी इज़ लेस देन दी, अभी इन्होंने इसी साइड लिखा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा ऑफ सी किससे लेस आ गया, इस वाली टर्म से, माइनस एफ टिल्डे वाई और ये अल्फ़ा, ये लिखा है देखो, क्लियर। तो यहाँ से ये अल्फ़ा से जब अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वाई प्लस अल्फ़ा वाई वन, क्लियर। सो यहाँ पर ये अल्फ़ा वाई वन की वैल्यू दोबारा एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस अल्फ़ा वाई वन, तो यहाँ पर ये एक्स पुट कर दिया। तो अल्फ़ा सी किससे लेस आ गया, पी एक्स माइनस एफ टिल्डे वाई से। तो दोबारा जब जी वन को जहाँ पर डिफाइन किया था उसके अंदर पुट करेंगे, या फिर जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जी वन को किस तरह डिफाइन किया था, दोबारा दिखा देता हूँ, जी वन एक्स इज इक्वल टू एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फा ऑफ सी। तो जी वन एक्स इज इक्वल टू एफ टिल्डे वाई प्लस अल्फा ऑफ सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पी एक्स आ जाएगी जब ये इस साइड जाएगा, तो लेस देन पी ऑफ एक्स। तो जी वन एक्स किस से लेस आ गया, पी ऑफ एक्स से, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, एक कॉन्ट्राडिक्शन से हमारे पास डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इज़ फॉल्स,
इज फॉल्स, हैंस डोमेन ऑफ एफ टिल्डे इज इक्वल टू एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ टिल्डे किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, एक्स के इक्वल आ जाता है। तो मतलब वो जो हमारे पास क्या था, एफ टिल्डे एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स आ जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए, क्योंकि एक्स किसके इक्वल आ गया, डोमेन ऑफ एफ टिल्डे के। और साथ ही साथ क्योंकि हम पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं तो एफ टिल्डे एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्राडिक्शन से डिफाइन करके इस थ्योरम को प्रूव किया। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ी लेंथी थ्योरम थी ये, इसलिए आप इसको ध्यान से करना। तो डाउट लगे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।